राम की पावन नगरी अयोध्या। इस ऐतिहासिक प्रसिद्ध शहर को संवारने का काम दिन रात तेज गति से हो रहा है। श्रद्धालु और अयोध्या वासियों को 2023 में एक बेहतरीन एयरपोर्ट का तोहफा मिलने वाला है। 821 एकड़ जमीन पर बनने वाले एयरपोर्ट का पहला टर्मिनल 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा, जबकि बाकी तीन टर्मिनल साल 2025 में आवागमन के लिए खोल दिए जाएंगे। पहले टर्मिनल से करीब 300 लोग फ्लाइट का आनंद ले सकते हैं। राम मंदिर की तर्ज पर बनने वाले इस एयरपोर्ट को बखूबी हाई टेक्निक और नक्काशी से तैयार किया जा रहा है, जो राम मंदिर का मॉडल पेश करेगा। एयरपोर्ट के खंभे हो या बुर्ज, सभी कुछ राम मंदिर की झलक पेश करेंगे, क्योंकि इस एयरपोर्ट में भी उसी पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा टर्मिनल में रामायण के महत्वपूर्ण क्षणों को दर्शाने वाले चित्र भी लगाए जाएंगे। बात करें तकनीक की, तो इसमें रेन वाटर को पूरे तरीके से इस्तेमाल में लिया जा सकेगा और सौर ऊर्जा का भी बेहतर इस्तेमाल होगा। पूरे एयरपोर्ट की अनुमानित लागत तकरीबन 2.24 अरब रुपए है। समय के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन प्रयास हमारा है कि जल्द से जल्द इसको जनता को हम समर्पित कर सकें, और काम बहुत तेजी से हम लोग कर रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द जनता के बीच में अयोध्या के लिए ये एक सौगात जल्दी से जल्द मिल सके। एक टाइम में 300 यात्रियों को हैंडल करने की यहाँ क्षमता रहेगी, 150 अराइवल में और 150 डिपार्चर के अंदर। एयरपोर्ट का निर्माण तीन चरणों में हो रहा है। पहले चरण में 6000 वर्ग मीटर में टर्मिनल भवन तैयार होगा, साथ ही 2200 मीटर की लंबाई और 45 मीटर की चौड़ाई के साथ रनवे का विस्तार होगा। सुरक्षा की दृष्टि से इस इंटरनेशनल हवाई अड्डे में ड्रोन कंट्रोल टॉवर, टैक्सी वे स्टेप, एक फायर वॉच टॉवर, फायर स्टेशन और एक एंटी हाईजैक कंट्रोल रूम बनेगा। कनेक्टिविटी के स्तर पर चाहे रेलवे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एयर ट्रैफिक हो, चाहे रोड ट्रैफिक हो, तो सबको लेकर कहीं बड़े कार्य हो रहे हैं। मेरे ख्याल से जून या जुलाई में हम लोगों का हवाई अड्डा यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हम लोगों को यहाँ सीधे यहाँ से उड़ाने कम से कम महानगरों की तो हो ही जाएंगी। अयोध्या का ये एयरपोर्ट लखनऊ के चौधरी चरण हवाई अड्डे से महज 125 किलोमीटर दूर है। इसके शुरू होने से लखनऊ एयरपोर्ट का दबाव काफी हद तक कम होगा। आईएनएस रिपोर्ट।